कोरोना संकट के बाद लगाए गए लॉकडाउन से समाज का हर तबका त्रस्त है और पुष्कर का पुरुष समाज भी इससे अछूता नहीं है। लॉकडाउन से पुरुष समाज के जीवन यापन पर एक बहुत बड़ा संकट आया है। वैशाख का जो पावन महीना, जहां जिस महीने के दौरान लाखों श्रद्धालु पुष्कर राज में स्नान करते थे, मंदिरों में जाते थे, आज वहां पर आप वैशाख पूर्णिमा के दिन हालात देख सकते हैं कि घाटों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ, एक भी श्रद्धालु नहीं है। तो अब इतने संयम रखने के बाद पुरोहितों का भी संयम टूटने लगा है और उनको भी चिंता सताने लगी कि आखिर उनके भविष्य में क्या होगा, कैसे उनका जीवन यापन होगा। और हमारे बीच तीर्थ पुरोहित संघ के प्रवक्ता गोविंद पाराशर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या चिंताएं हैं तीर्थ पुरोहितों की और क्या मांग है पुरोहितों की। जी बताइए गोविंद जी। सबसे पहले तो सीताराम जी, मैं स्वामी न्यूज़ का आभार प्रकट करता हूँ कि पुष्कर तीर्थ की तीर्थ पुरोहितों के बारे में आज मीडिया ने सोचा है, आपने सोचा है। पुष्कर तीर्थ में 12 महीनों में जो है कार्तिक मेले के बाद में सबसे बड़ा नंबर जो आता है वो बैसाख की इस पूर्णिमासी का आता है। और ये एक दुर्भाग्य की बात है कि इस समय जो ये वो जो वैश्विक महामारी जो आई है कोरोना के रूप में, उसके चलते इस पीपल पूर्णिमा को, जिस दिन यहाँ पे पुष्कर तीर्थ नगरी में हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, स्नान पूजन करते हैं, पंडितों को दान दक्षिणा करते हैं, पंडितों से आशीर्वाद लेते हैं, जिससे पंडितों का गुजारा चलता है, परिवार का गुजारा चलता है, गृहस्थ चलती है, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, चिकित्सा सब पे जो वो खर्च सहन कर पाते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों की, कि आर्थिक जीविका चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो तीर्थ के तीर्थ पुरोहितों के बारे में सोचे और उनको मंथली न्यूनतम पैकेज कम से कम देने का मेहरबानी करें। क्या विशेष रूप से समस्याएं आ रही है अब जब लगभग 45 दिन का लॉकडाउन हो चुका है? शुरुआत में पुरोहितों ने सामना बहुत अच्छी तरीके से किया, आपकी संस्था ने भी कुछ अच्छा जरूरतमंदों तक मदद की, लेकिन अब हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तीर्थ पुरोहित संघ ने अपने जमा कोष से जो है बहुत ही चिंतनीय जिन तीर्थ पुरोहितों की स्थिति थी उनको जो है राशन की मदद की थी, लेकिन तीर्थ पुरोहित संघ का भी अपना एक निश्चित जमा बजट है, उसमें से वो जो जितना कर पाती है उतना ही कर पा रही है। आमद जीरो हो गई है, लेकिन नल, बिजली, पानी, स्टाफ का खर्चा, तनख्वाह वो सब अनवरत चल रही है तीर्थ पुरोहित संघ की। वही स्थिति तीर्थ पुरोहितों की भी है कि बच्चों को आज जो ऑनलाइन पढ़ाने जा रही है स्कूल, घरों के खर्चे वही चल रहे हैं। पहले जो कूलर एसी नहीं चलते थे, आज कूलर पंखे बराबर घरों में खर्चे बढ़ गए। कुल कहने का मतलब आमद जीरो हो गई लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही है। और अगर यही हालात रहे तो जीवन जीना, सांस लेना तीर्थ पुरोहितों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये थे गोविंद पाराशर जो कि जो पुरोहितों की चिंताएं थी उसको पहुंचा रहे थे आगे और बता रहे थे कि हालात अब उतने सामान्य नहीं रहे जब जितने लॉकडाउन के पहले चरण में थे, और लॉकडाउन का यह तीसरा चरण है, हालात बिल्कुल गंभीर होते जा रहे हैं और आवश्यकता है कि त्वरित प्रभाव से केंद्र और राज्य सरकार जिस प्रकार दूसरे जो गरीब तबके हैं उनकी मदद के प्रयास कर रही है, मदद के पैकेज दे रही है, तो पुरोहितों की मदद के लिए भी कोई राहत पैकेज का ऐलान करे। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। वैशाख मास की पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो पुष्कर में कार्तिक मेला होता है उसी के बाद में वैशाख पूर्णिमा को सबसे बड़ा माना जाता है, जिसके अंदर मिनी मेला लगता है। जो मिनी पुष्कर मेला मेला होता है वही ये मेला लगता है। इसमें लाखों की अभी तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु वगैरह स्नान वगैरह करने, दान दक्षिणा करने वगैरह आते हैं, परंतु अभी लॉकडाउन है और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो कोरोना की आपात स्थिति है उसको देखते जो लॉकडाउन है उसी के देखते हुए कोई भी तीर्थयात्री यहाँ पर नहीं आना चाहते। आज वैशाख मास की पूर्णिमा है, आज के दिन पुष्कर सरोवर में स्नान दर्शन और दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण अभी यहाँ न तो पुष्कर के स्थानीय श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और ना ही बाहर के आ पा रहे हैं। हमारा सभी से निवेदन है कि इस महामारी के लिए अपने घर पर बैठें और भगवान पुष्कर राज एवं देवता से प्रार्थना करें इस महामारी का जल्द से जल्द निवारण हो।